कैसी बात है, 15,000 रुपया कड़क कड़क कैश निकाल के रखो, क्योंकि वो विभूति जा गई भी छिपो भाव, हम वह ससुर को बिल में से खींच लाएंगे, तुम निकाल के रखो बस, रेडी रखो। ये बात बताओ तुम कौन से हाथ से निकालोगे? इशारा किया बाएं हाथ से। क्या बताएं इसके बारे में? मतलब व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगता है आप लोग का ये कॉम्बिनेशन। तो सीधी सी बात ये है कि लोग बाग एंजॉय इसलिए कर लेते हैं कि हम लोग पिट लेते हैं। बड़े बाजार में जो हमको ठोक दिया जाता है लोग हंस लेते हैं, हाँ टीका मलकान पिट गया देखो। और बात यह आ रही कि जैसे छोटे शहरों में, जैसे हमारा कानपुर शहर है वो, जहाँ पे कुछ करेक्टर होते हैं, मुस्तंडे, आवारा, लफंडर या फुकरे भी बोलते हैं, जिनके पास काम धंधो ना होता है, जिनको काम धंधो है छोरिन को छेड़ना, कॉलेज के बाहर खड़े होना, स्कूल के बाहर छड़े होना, और आँखों से है ना छोरिन को मोहल्ले के पार छोड़ देना, घर पर छोड़ देना, तो लोग है ना काफ़ी रिलेट कर लेते हैं इससे, अपने आप को काफ़ी मिला लेते हैं। अरे तो बिल्कुल जैसे कोई बूढ़ो भी होगा 60 साल का, तो वो आपस में बात करते हैं, चाय पीते हैं, यार जवानी में हम बिल्कुल टीकू मलखान जैसे थे। तो ये बात है रही। और देसी शब्दों में कहा जाए तो यहाँ के लोग कहते हैं हमें छिछोरे, छिछोरे ये गली के लौंडे छिछोरे हैं, वहाँ छिछोरे। हाँ जे ज़्यादा ना लगा, आग मीटर में बैठ गई, हमने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली। बात जे है रही कि छिछोरा बनने में सेकंड लगते हैं। हाँ हाँ, लोफर बनने में थोड़ी टाइम लगता है। हाँ हाँ, लौंडिया छेड़ने में कोई मतलब देर नहीं लगती है, वो तो हमारा क्या जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ लौंडिया छेड़ने को और अच्छो आदमी बनने में टाइम लगता है। हाँ। लेकिन मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, भैया हम नाटक में कर रहे हैं, लड़कीन को छेड़ रहे हैं, छोरिन को छेड़ रहे हैं। हाँ। ये सिर्फ मनोरंजन है, असली लाइफ से इसका कोई लेने दोनों नहीं है। असली लाइफ में बहुत दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं, हम लड़कियों की औरतों की इज्जत करते हैं, तो आप भी लड़की और औरतों की इज्जत करो। यहाँ पर सिर्फ जो सारी चीज़ हम करते हैं वो आपके मनोरंजन के लिए करते हैं। बाजी हैरी कुछ नहीं, वही बड़ी बड़ी चिरांद है हमारे यहाँ पर, अप्पू सिंह जी और हमारे जो तिवारी भैया और जो क्या नाम है अपने विभूति भैया, ये बहुत बहुत तगड़े ड्रामाबाज नाटकबाज हैं, कुछ ना कुछ उपद्रव करते रहते हैं ये। और उसमें क्या होता है, भुगतना किसको पड़ता है, हम दोनों को भुगतना पड़ता है, बेचारी वो हमारी शरीफ भाभियों को भुगतना पड़ता है। और क्या, तो अभी ऐसा ही कुछ हमारे विभूति भैया ने कुछ किया है, उठ पटांग कुछ भांड पड़ने की हरकत करी उन्होंने, कांड हो गए, कांड आपको देखने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा।